हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो इस क्वेश्चन में हमें एक चार्ज पार्टिकल दिया गया है जिसका मास है m, चार्ज है -q। ये एंटर कर रहा है एक रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ। इसको x डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी गई vx, है ना। अच्छा, जो प्लेट्स हैं उनकी लेंथ है l, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन किया गया है e। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो जाहिर सी बात है डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। अब ये डिफ्लेक्ट होगा तो इसका डिफ्लेक्शन इतना होगा, कितना होगा, qel² अपॉन 2m vx²। ये हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं इसको। तो पहले तो डायग्राम समझ लेते हैं। मैं डायग्राम बना देता हूं। दो मेटल प्लेट्स हैं, ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। प्लेट्स की लेंथ जो है वो है l। अच्छा जी, प्लेट्स की लेंथ हो गई l। एक चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है vx, उसको भेज दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जाहिर सी बात है जब वो एंटर करेगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और डिफ्लेक्ट होगा तो उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा ये हमें प्रूव करना है। चलिए भाई करते हैं इसको। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं s = ut + 12 at²। इसको दो बार स्टडी करना पड़ेगा, एक बार एक्स एक्सिस पे और एक बार वाई एक्सिस पे। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वेशन हो जाती है x = ux × t + 12 ax t²। अच्छा, x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो है l, वेलोसिटी है vx, टाइम है t, एक्सीलरेशन कुछ नहीं है क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। अब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पे फोर्स लगेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्टेड होता है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ कुछ ऐसे है वर्टिकल डायरेक्शन में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है तो फोर्स भी वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगी। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगी तो कोई एक्सीलरेशन भी नहीं आएगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो जाएगा 0। अच्छा जी, तो ये हो गया 0 और इक्वेशन बन गई vx × t। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं इसी को y डायरेक्शन पे अप्लाई करता हूं, अलोंग y डायरेक्शन। y डायरेक्शन ये इक्वेशन हो जाएगी y = uyt + 12 ay t²। और y डायरेक्शन में यही डिफ्लेक्शन है जो हमें पता करना है, इसी को डिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, यही हमें पता करना है। अच्छा जी, तो इनिशियल जो वेलोसिटी हमने दी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी नहीं। तो ये uy की वैल्यू हो गई 0 × t + 12 × एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस पे जो एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। अच्छा, तो डिफ्लेक्शन हमारा हो गया 12। फोर्स के लिए मैं लिख सकता हूं qe। अच्छा, ये इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 1 से अगर देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 t की वैल्यू है l अपॉन vx। ये वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूं तो y = 12 qe/m और t की वैल्यू l/vx²। तो डिफ्लेक्शन हो गया qel² ओवर 2m vx²। ये मुझे प्रूव करना था, ये डिफ्लेक्शन है। ये क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा।